भगवान शनि देव से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं डरता, इसलिए कह रही हूँ। यदि किसी को डरना है तो वो डरो जो पापी है। जिसने पाप किया वो तो डरे, अन्य कोई ना, क्योंकि भगवान शनि देव केवल और केवल पापियों को ही नहीं। यदि आपने कोई पाप किया तो दंड मिलेगा। हमारे जज चीफ जस्टिस, तो भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा तो उन्हें अपना राज्य से प्राप्त हुआ। जितने भी राजा थे जिन्होंने द्रौपदी के केश का स्पर्श किया, उन्हें अपमानित किया, उनका भी वध कराया। तो आइए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कुछ देर के लिए नमस्कार करें और उनका जो लोग नहीं है जिनकी कल की ट्रेन छूट गए आज उनको फिर से वृंदावन ले चलते हैं। और वृंदावन में जाकर के क्या होगा वही इस भजन का भाव है। ओ मेरा दिल दीवाना, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना वृंदावन की गलियों में, ओ मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने 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 की गलियों में। जो बोला था जो उनके धाम में यदि जाएंगे तो फिर हमारी क्या चलती है, इसलिए जो होना हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में, जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। अच्छा एक बात बताइए, मानती हूँ आज ढोलक का हमारे पास साथ नहीं है, लेकिन हम भक्त है और भक्त में इतनी शक्ति होती है कि यदि मन से ताली बजाए तो ताली में भी ढोलक का आनंद मिलेगा। तो ढूंढ के तो देखो, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, जो होना था तो हो की
और वृंदावन में जो जाता है जब भी जाओ भक्त के लिए तो मौसम अच्छा ही होगा, भक्त की दृष्टि से तो अच्छा ही होता है। सावन की मध्य बहारे यहाँ दिन बड़े फुहारे, सावन की मध्य बहारे यहाँ दिन बड़े फुहारे, सावन की मध्य बहारे यहाँ दिन बड़े फुहारे, सावन की मध्य बहारे यहाँ दिन बड़े फुहारे। एक धुन जो वृंदावन में गूंजती है वो कौन सी है? भगवान की भक्ति की धुन। तो मन भक्ति की धुन में हो गया परेशान है। क्या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं? क्या आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन
वकीलों और कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो रहा है। तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानेंगे। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। होम पेज पर उपलब्ध एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस बटन पर जाएं। अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें। प्रॉब्लम पेज पर जाकर नीचे दिए गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरें। फेस रीडिंग के लिए अपनी फेस का एक फोटो भी लगाएं और हमें भेज दें। गुरुजी आपकी बर्थ डिटेल्स का एनालिसिस करेंगे। अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाय रेमेडीज ईमेल द्वारा 48 घंटों के भीतर भेजेंगे। अपने ईमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिए जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। यदि फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो या आप गुरुजी से कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी से चमत्कारी उपाय या रेमेडीज जानने की फीस केवल ₹1200 या $24 है, जो कि गुरुजी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक कार्य जैसे कि शनि आश्रम निर्माण, मंदिर निर्माण, गौशाला, महायज्ञ, लंगर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी अपने लिए कोई फीस नहीं लेते। हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनि देव के इस कॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से RTGS, NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो भक्त इंडिया से बाहर विदेश में है वह हमारी वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का प्रयोग पेपाल के द्वारा कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।